हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ये है हेयर मास्क का रिव्यू। आपको मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे हेयर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे शेयर भी कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे फ्रेंड्स, और लाइक तो कर ही दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं कर रही हूँ आपके साथ एक रिव्यू शेयर, ये है गुड वाइब्स का फ्रेंड्स आर्गन स्मूदिंग हेयर क्रीम है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम से आपको इसमें वेरिएशन मिल जाएंगे, 4 वेरिएशन में आता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपके हेयर की, तो आप उसको कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये इतना अच्छा क्रीम है फ्रेंड्स, तो आपके हेयर देखिए, मेरे हेयर कितने अच्छे स्मूद हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, और बहुत ही शाइनी आ गई है मेरे हेयर में। अभी पता नहीं मेरे फेस इतना वाइट क्यों लग रहा है, मुझे खुद नहीं पता, आई डोंट नो, बट चलिए कोई बात नहीं। और मैंने कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं किया है जो इतना वाइट दिखे, पता नहीं क्यों दिख रहा है। और ये देखिए मेरा, आप जरूर बताइएगा मुझे, और अगर थोड़ा अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कर लीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो क्रीम है फ्रेंड्स, ये सबको सूट करती है और आपके हेयर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं कभी भी अपने हेयर में कंघी नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, कभी भी कॉम नहीं करती हूँ, मोस्टली घर पर ही रहती हूँ और बस ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ही एक क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ या फिर बन बना लेती हूँ बस, और अपने हेयर को इस तरह ही रखती हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तभी थोड़ा सा कॉम करती हूँ, आई थिंक वैसे तो मैं करती नहीं हूँ ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। और हाँ, मैं अगर इसकी बात कर रही थी फ्रेंड्स, तो इसका जो रेट है वो है 315 का है ये फ्रेंड्स, तो लेकिन ये 315 का नहीं है, तो अभी डिस्काउंट पे मिल जाएगा आपको 221 का, तो आप अभी से खरीद सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका दे दिया है इसका लिंक, तो आप देख सकते हो, अभी आप ले लीजिए, बहुत ही अमेजिंग है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपके हेयर में, तो आप ज़रूर उसी टाइप का यूज़ करिए फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके हेयर बहुत ही मैनेजेबल होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को जब भी ये क्रीम अप्लाई करनी है ना, तो कभी भी जो गंदे हेयर हैं उसमें नहीं अप्लाई कीजिएगा, हमेशा आपको शैम्पू करने के बाद ही इस क्रीम को अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, तो तभी। और आपको शैम्पू करने के बाद आपको नो कंडीशनर, नो सीरम, बस शैम्पू करने के बाद ये लगाना है आपको, उसके बाद आपको वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर के साथ, और आप हेयर आपके आपके सामने होंगे, जो भी हेयर हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से इसका रिव्यू एंड डेमो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है गुड वाइब्स की आर्गन सॉफ्टनिंग हेयर क्रीम फ्रेंड्स, तो आज मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये है नेट वेट इसका 100 ग्राम्स है, और इस तरह के पैकेजिंग में ये आती है फ्रेंड्स। तो आपके अगर हेयर स्मूथ नहीं है, अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं, तो ये क्रीम आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। और ये आपको पता ही है, गुड वाइब्स बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, तो नो पैराबेन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट होते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, और आपके बालों को स्ट्रेट कर देगी, स्मूथ कर देगी, आपके हेयर को फ्रिज फ्री कर देगी, मतलब बहुत ही अच्छा, ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये। अगर आप चाहते हैं अपने हेयर को बिल्कुल स्मूथ करना, और इसमें 4 वेरिएशन आते हैं, तो आप ले सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हेयर की, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैंने आर्गन सॉफ्टनिंग हेयर क्रीम ली है, और आप ले सकते हो, आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो, जैसे कि कैरेटिन वाली आती है, और आती है टी ट्री वाली, और एलोवेरा वाला आता है, तो मतलब आप कोई भी ले लीजिए, और सारे नेट वेट आपको 100 ग्राम्स में ही मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके हेयर में डैंड्रफ है, तो उसके लिए भी आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मैं 20 मिनट्स के लिए अपने हेयर पर अप्लाई करके रखूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका डेमो, देखते हैं कि किस तरह से मैंने अप्लाई की है। और फ्रेंड्स, चलिए देखती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे, और बात भी करती जाऊँगी, और आपको इसके बारे में बताती भी जाऊँगी कितना अच्छा वर्क करता है, कितना अच्छा काम करता है ये।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, तो गीला कर लिया है, और आपको हेयर वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद ही आपको ये वाली क्रीम अप्लाई करनी है फ्रेंड्स, 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करनी है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं लगाती हूँ। इस तरह से अच्छे से मसाज कर लेनी है आपको। आपसे भी थोड़ी देर में, जब तक ये पूरा ऐसे ही अप्लाई कर लेना है आपको, और आप इस तरह से बन बना लीजिए और ऊपर 20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए 20 मिनट्स के मैं ऐसी रख दूंगी। अभी ये मैंने बन बना लिया है और अपने क्लचर लगा लिया है इस तरह से, तो अब मैं 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं वॉश करके आपसे मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको अपने हेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है और मेरे हेयर देखिए कितने, आपको पास से दिखा देती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ गई है और अभी वेट हैं थोड़े, तो इसलिए मैं कभी कंघी नहीं करती हूँ। जब कहीं जाना होता है तो मैं कंघी करती हूँ, वैसे तो मैं कभी अपने हेयर में कभी भी कॉम करती ही नहीं हूँ, ऐसे ही रहते हैं मेरे हमेशा बाल हेयर, कभी भी कॉम नहीं करती हूँ, बस इस तरह से बांध लेती हूँ, बस हो गया मेरा। और आप मेरे हेयर में कभी भी ट्रेंगल नहीं होता है, इस वजह से मुझे कॉम की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोगों को मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं, और ट्रेंगल बिल्कुल भी नहीं है मेरे हेयर में। अभी सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएँ पूरे, तब और अच्छे से पता चल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, ये थोड़े और वेट हो जाए, लेकिन थोड़े और ड्राई हो जाए, वेट नहीं। ये देखिए, और पता नहीं क्यों फेस इतना वाइट वाइट दिख रहा है, आई डोंट नो। ये देखिए, मिलती हूँ मैं आपसे भी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है रिव्यू एंड डेमो फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, और शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सभी को हेयर की प्रॉब्लम होती ही होती है। और अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम है या फिर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं, आपके हेयर झाड़ू टाइप हैं, तो सबके लिए बहुत ही अच्छी होगी ये जो क्रीम्स वगैरह होती हैं। तो और भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देखना चाहते हैं हेयर स्पा वाले तो आप देख सकते हो, हिमालय का भी मैंने हेयर स्पा किया हुआ है, और जो DIY होम हेयर स्पा होते हैं वो भी मैंने किए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छे लगे तो आप उनको भी कर सकते हो ट्राई, और बहुत ही अच्छे हैं वो भी। तो फ्रेंड चलिए आपके मिलती हूँ मैं बाद में, और हाँ ये ज़रूर खरीदिएगा आप लोग, ये बाय ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये क्रीम कैसी लगी। और हाँ, थोड़ा सा आप उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिएगा, मेरा फेस पता नहीं क्यों इतना वाइट वाइट दिख रहा है, आई थिंक उसे छोड़िए, और क्योंकि बताना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी इतना वाइट दिख रहा है, आई डोंट नो। चलिए तो कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ इस पर फोकस करिए, ये बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, तो आई लव, बहुत ही अच्छी है ये, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है तो आपको सूट जरूर करेगा और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।